आज हम लोग करेंगे काम की बात। क्या करेंगे? काम की बात। कल आप लोगों का एग्जाम है, 24 घंटा पहले ही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पहले वालों को भी जो नहीं देखा उसका क्या घाटा, उसका बहुत कुछ घाटा। इसमें मेरा कुछ नहीं घाटा, इसमें तेरा घाटा। चलिए, मिशन 4 ऑब्जेक्टिव, ये फिजिक्स का सवाल है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। चलिए देखिए, 21वां सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज 0। चलिए, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइज। फार्मूला में सारे का डायमेंशन रखिए और वैल्यू को कैलकुलेट करिए। 23वां सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने। दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज। देखिए, 1/r² होता है, ऊपर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, r^-2। 24वां सवाल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। आज हम लोग अर्ध शतक लगाएंगे। कॉपर इज डायमैग्नेटिक। कॉपर क्या है? डायमैग्नेटिक है। हाइस्टेरिस शोज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मूविंग। 27वां सवाल। ड्यू टू मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर एंगल ऑफ डिप विल भी। देखिए, नॉर्थ में 90 होता है, इसे 0 डिग्री इक्वेटर पे। बताइए क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीजेज होगा। लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। निकेल इज फेरोमैग्नेटिक। एटम्स ऑफ आयरन आर फेरोमैग्नेटिक। एटम्स ऑफ आयरन आर फेरोमैग्नेटिक। इस तरह 30 सवाल हम लोग कर चुके हैं। कहा गया है अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोग का ये समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरा हिला दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, 31वां सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने। विच हैज ग्रेटर परमिएबिलिटी? फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, उसमें चूज कीजिएगा। मेनली रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिज्म इज रोमोशनल मोशनल सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोशन में रहेगा। विच ऑफ द गिवन डज नॉट एग्जिस्ट? आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। सिंगल आइसोलेटेड का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। देखिए, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब अलग अलग कर देंगे तो दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी वायर इज ML3T-3I-2। इन इलेक्ट्रिक सर्किट एट एनी पॉइंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज 0। ऑल करंट इज 0। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज ड्रिफ्टिंग। इज ड्रिफ्टिंग। 38वां सवाल। VVI वोल्ट मीटर इज कन्वर्टेड इंटू एमीटर व्हेन लो रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल बाय गैल्वेनोमीटर। करंट मेजर्स। गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। 40वां सवाल। इफ अ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिलेड विथ डायलेक्ट्रिक एट ए पैलेस ऑफ एयर देन कैपेसिटेंस इनक्रीजेज। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ऐसा ऐसा बहुत सारा कहेगा, कुछ भी उसमें डाला जाएगा तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? डालेगा तो बढ़ेगा। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं बच्चे। ओ मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्हे। चलिए, थोड़ी सी नदानिया, थोड़ी सी गरानिया। चलिए, स्टडी फोकस, ओनली फोकस योर स्टडी। 31वां सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे नॉलेज लीजिए। देखिए, किसी कितने लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है,
अरे वजह चाहिए बच्चों, देखिए गेम खेलते हो, खेल खेलते हो, इसमें क्या है, कोई बताता है नहीं, तो वजह चाहिए पढ़ने के लिए। ओनली दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। हाँ चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम इज ए वैल्यूएबल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। 41 का, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज देन इट्स कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। 42वां सवाल, वैन डर वेन ग्राफ्ट जनरेटर इज ए मशीन विच डेवलप्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेनी लैक्स। देखिए इफ 43 क्वेश्चंस, इफ ए कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड इज चार्ज विथ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट देन चार्ज ऑन इट क्यू इक्वल टू सी वी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैराडे होता है। देखिए करा, इफ 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। देखिए 18 हो गया, 18 54 है ना, पहले सीरीज में जोड़ा गया, बाद में कम पैरेलल में करें, कैपेसिटर में C1 + C2 + C3 होता है, 18 18 54। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46वां सवाल, वीडियो को पॉज करिए और प्रेम से देखिए, स्पीड को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि नेट प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। चलिए 46वां सवाल, इफ ए ग्लास रॉड इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। देखिए पहले बताए थे कुछ डाला गया तो क्या होगा, बढ़ेगा। 47 का देखिए, 47 वाला सवाल, थ्री कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज ऑन ये चार इक्वल, चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर है। विच क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। चलिए लास्ट सवाल, 50वां, बहुत प्यारा सा सवाल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है कंजर्वेटिव, कहा गया है उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, इससे आपको नए नए नोटिफिकेशन और अपकमिंग वीडियो मिलते रहेंगे। जो अभी बहुत सारा एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है 12th का, बिहार के लाल हैं आप लोग, बिहार के नौजवान हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो आने वाला है।